न्यूरॉन बेसिकली क्या होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली नर्वस सिस्टम जो जो भी उसमें चीज़ें मौजूद हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसका फंक्शन क्या है। बेसिकली सेंसेशन, यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंस करना और उसको इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाना, और वो ब्रेन का क्या फंक्शन है फिर, इंटीग्रेशन, यानी कि वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, जो भी स्टिमुलस उसके पास आता है उसको इंटीग्रेट करता है, उसको प्रोसेस करता है कि क्या स्टिमुलस आया है मेरे पास और मैंने उसके हिसाब से किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, और फिर फाइनली वो थर्ड क्या है, वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। पहले सेंसेशन होती है, फिर वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन की बेस पे इंटीग्रेशन होती है, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन है अपना नर्वस सिस्टम के। सेकेंड की हम बात करें तो कंट्रोल ऑफ द बॉडी कैन बी सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर ये जब सारी इंटीग्रेशन हो जाती है तो उसके बाद फिर हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात आ जाती है, या तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब जो कंट्रोल है, या तो फिर वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, या फिर वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। वो डिपेंड करता है स्टिमुलस के ऊपर, स्टिमुलस क्या है। जो मैंने बात की थी कि पहले मेजर फंक्शन क्या है, रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट, कोई भी टेस्ट, आपने कोई खाना खाया उसका टेस्ट होगा, स्मेल है, आपके एनवायरनमेंट में कोई स्मेल है, टच किया किसी ने, आप कुछ देख रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं, ये सारा सेंसेशन में आता है। इंटीग्रेशन जो है, स्टिमुलाई दैट आर रिसीव्ड बाय सेंसरी स्ट्रक्चर्स वो आर कम्युनिकेटेड टू द नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो भी आपका स्टिमुलाई है वो फिर फाइनली नर्वस सिस्टम को भेज दिया जाएगा, वेयर दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, और स्टिमुलाई को कंपेयर किया जाएगा। स्टिमुलाई मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर क्या कहना चाहिए, जैसे एंटीबॉडीज वाला भी जनरेट होता है ना आपका, लेट्स से कोई इन्फेक्शन हो गया आपकी बॉडी में, ठीक है, तो ये स्टिमुलस भी ब्रेन के पास जाएगा कि उस पर कैसे रिएक्ट करना है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवानी है या नहीं करवानी, ठीक है। तो ये पिछले स्टिमुलस से भी कंपेयर किया जाएगा कि पिछला स्टिमुलस क्या था, अगर तो पिछले स्टिमुलस आपका मतलब जानते होंगे, यानी कि मेमोरी रखता है ब्रेन, पिछले स्टिमुलस की मेमोरी रखता है और उस हिसाब से प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टिमुलाई पहली दफा आया तो वो प्रोसेस करने में टाइम लगाएगा, लेकिन अगर स्टिमुलाई दोबारा आया तो फिर मतलब पहले भी वो स्टिमुलाई उससे डील कर चुका है तो वो रिस्पॉन्स जल्दी करेगा। फिर वही रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स डिपेंड करता है जो भी स्टिमुलाई परसीव किया है सेंसरी स्ट्रक्चर्स ने, तो रिस्पॉन्सेज कैन बी डिवाइडेड टू अ वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसके थ्रू ये सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, जिसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही होती है या वापस आ रही होती है ब्रेन तक, वो किसके थ्रू हो रही होती है, नर्वस टिश्यू के थ्रू हो रही होती है। और ये जो नर्वस टिश्यूज हैं दोनों में, CNS में भी और PNS में भी, दे आर कंटेन बेसिकली टू सेल टाइप्स, एक होते हैं ग्लायल सेल्स और दूसरे होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू में दो इंपॉर्टेंट सेल्स मौजूद हैं, ग्लायल सेल्स एंड न्यूरॉन्स। ग्लायल सेल जो है वो बेसिकली इन न्यूरॉन्स को असिस्ट कर रहे होते हैं, इन न्यूरॉन्स को क्या कर रहे होते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स को, सही है। अ ग्लायल सेल इज वन ऑफ वैरायटी ऑफ सेल्स दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ टिश्यू दैट सपोर्ट्स द न्यूरॉन्स एंड देयर एक्टिविटीज, यानी कि ग्लायल सेल्स का काम कम्युनिकेशन में नहीं होता, बल्कि ये जो न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में जो कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहे होते हैं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और बेसिकली न्यूरॉन वो सेल हैं जो इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अच्छा, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि उसके अंदर एक सेल बॉडी होती है जिसको आप सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी का नाम सोमा भी है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसके अलावा उसके साथ जो है वो डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये बेसिकली रिसीव करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये डेंड्राइट्स। उसके बाद एक एग्जॉन होता है, एग्जॉन जो है वो मोटर तो नहीं कि हाँ मोटर ही कहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है, कहाँ तक लेकर जाता है, दूसरे सेल्स के साथ लेकर जाता है। ये जो लिखा हुआ है ना कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स, ये बेसिकली दूसरे न्यूरॉन अदर सेल जो है वो दूसरे न्यूरॉन को कह रहा है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है दूसरे न्यूरॉन की तरफ, लेकिन ये एग्जॉन एंड है, ये टर्मिनल जो है ये एग्जॉन एंड है, और बॉडी के साथ जो है वो डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये एग्जॉन टर्मिनल है, ये दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जो कनेक्ट करता है वो एग्जॉन टर्मिनल होता है। डेंड्राइट्स जो है वो दूसरे सेल से इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अब देखो यहाँ पर ये वाली चीज देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, इससे ये इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, सॉरी डेंड्राइट्स नहीं, ये एग्जॉन टर्मिनल है, ठीक है, ये दूसरे न्यूरॉन का एग्जॉन टर्मिनल है,
ये इस वाले न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, और वो ये वाला न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन किस तरह से ले रहा है, डेंड्राइट्स के थ्रू ले रहा है, ठीक है। यानी कि एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं कम्युनिकेशन में। ये जो न्यूरॉन है ये अपनी इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है टू अदर सेल, और अदर सेल डेंड्राइट सेल। जी बेटा, अच्छा ये प्लीज म्यूट कर दें। जो अदर सेल्स के वो हैं डेंड्राइट्स हैं, वो रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को, फिर फर्दर अगर इसने अगले सेल को पहुंचाना है तो फिर वो सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ लेकर जाएगा, और एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू आगे यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स मौजूद होंगे और वो उनके साथ कॉन्टैक्ट। जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अच्छा, कुछ जो एक्सॉन होते हैं उसके अंदर ऊपर माइलिन शीट होती है जो कि एक लिपिड रिच सब्सटेंस है। ये क्या कर रही होती है बेसिकली, एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट भी होती है, वो क्या कर रही होती है बेसिकली इंसुलेशन, जैसे हम देखते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वाली जो वायर्स होती हैं उनके ऊपर डिफरेंट जो एक कोटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, जो इसको क्या कर रहा होता है, इंसुलेट कर रहा होता है ताकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे किसी को नुकसान ना हो सके। तो हमारे बॉडी के अंदर भी नेचर ने ये मैकेनिज्म रखा है, और वो किस तरह से उनको कवर किया गया है, माइलिन शीट के थ्रू कवर किया गया है एक्सॉन्स को, क्योंकि एक्सॉन्स बेसिकली एक्सॉन्स ही वो पार्ट होते हैं ना जो एक्शन पोटेंशियल या जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेकर जाते हैं, सही। तो माइलिन शीट बेसिकली इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब पास कर रहा होता है एक्सॉन। डेंड्राइट्स रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ये जो मैंने आपको बता दिया अभी कि डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एट स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ कॉन्टैक्ट कॉल्ड साइनैप्स। यानी कि जब दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, तो उस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को कहा जाता है साइनैप्स। अभी हम देखेंगे साइनैप्स को डिटेल में भी। ये मैंने आपको ग्लायल सेल्स का जो बताया था, न्यूरल टिश्यू में ग्लायल सेल्स और न्यूरॉन्स होते हैं, तो ग्लायल सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी एक टाइप है, माइक्रोग्लिया, ये जो मैंने आपको भी दिखाया था, न्यूरोग्लिया जो मैंने आपको दिखाया था, ये उस तरह का। ओके, ठीक है, ग्लायल सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर मैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करूं तो वो किसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ये एक्सॉन के साथ बाइंड होते हैं और एक्सॉन वाले सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो भी मैसेज पास करने में, जब ये जो एक्सॉन है सॉरी माइलिन शीथ है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा शिवान सेल्स हैं, ये भी ग्लायल सेल्स की ही टाइप है। ये अगेन वो ये देखें, जैसे ये मैंने भी आपको बताया था, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ये एस्ट्रोसाइट्स हैं, इनके फूड प्रोसेसेस होते हैं, ये माइक्रोग्लायल सेल्स हैं, सब डिफरेंट आपको दिखाए गए कि ये देखो माइक्रोग्लायल सेल्स जो है वो डेंड्राइट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। ओके, बेसिकली ये जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ना, ये जब कम्युनिकेशन हो रही होती है स्केलेटल मसल्स के साथ तो ये तब इम्पोर्टेंट होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है जी। ओके, अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, एक हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया न्यूरॉन का, उसके अंदर एक बॉडी होती है, एक्सॉन होता है, एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं उनकी फंक्शन की बेस पे। कुछ हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। बेसिक न्यूरॉन टाइप्स हमारे पास क्या है, बायपोलर है, यूनिपोलर है। देखो यहाँ नीचे लिखा भी गया है, जो बायपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो किस में फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स में। वो इंटर न्यूरॉन्स कौन से वाले होते हैं, जब इंफॉर्मेशन जो ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, सही है, जो इसको इंफॉर्मेशन को वो कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन करनी है तो उस वक्त इंटर न्यूरॉन्स यूज हो रहे होते हैं। और उनकी स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, बायपोलर होते हैं वो, ठीक है। देखो बॉडी दरमियान में है, सेल बॉडी दरमियान में है, यहाँ पे भी एक पोल है और यहाँ पर भी एक पोल है। यूनिपोलर की बात करें तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, यूनिपोलर्स आर मोस्टली सेंसरी न्यूरॉन्स। इनकी आप देखो सेल बॉडी जो है वो थोड़ा सा साइड पर होती है, ये इनका एक्सॉन होता है, ये इनके डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ नहीं जुड़े हुए होते डेंड्राइट्स। जो मोस्टली हम पढ़ते हैं वो कौन से हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, जो कि मोटर न्यूरॉन्स हैं। नॉर्मली जो हम देखते हैं जिसकी डायग्राम हमेशा से, वो हमारे पास कौन सी टाइप है, मल्टीपोलर, ठीक है, जिसके अंदर एक सेल बॉडी होती है, उसके पास सात डेंड्राइट्स जुड़े होते हैं और एक एक्सॉन होता है और एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, मल्टीपोलर वाले मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोस्टली जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर मल्टीपोलर जैसा होता है। इसके बाद पिरामिडल सेल्स होते हैं, देखो सेल बॉडी बिल्कुल ही अंदर कहीं इसमें खोई भी है और बहुत सारे आपको यहाँ पे इसकी एक्सटेंडिंग एक्सटेंशन नजर आ रही है, डेंड्रॉइड्स हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स वगैरह है।
ठीक है, तो इस हिसाब से इन बेसिक न्यूरॉन टाइप्स, यानी कि सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, मोटर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इंटर न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है, उनकी फंक्शन पे बेस कर रहा होता है। ये अगेन वही बताया हुआ है कि सेंसरी जो है वो रिसेप्टर, यानी कि वो रिसेप्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और उसको लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और वो कौन से वाले होते हैं जी, बाइपोलर है या यूनिपोलर है? ये वाले सेंसरी यूनिपोलर, यूनिपोलर है, ठीक है, बिकॉज इनकी बॉडी हम यहाँ देख सकते हैं, ये साइड पर है यहाँ पे बॉडी। उसके बाद हमारे पास रेले सेंटर है, रेले सेंटर यानी कि जो ये ब्रेन को कहा जाता है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, सेंट्रल नर्वस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जब इन्फॉर्मेशन लेकर जानी होती है, यानी कि विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो तो वो कौन कर रहा होता है, इंटर न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं। देखो इसका फंक्शन ये जो ये, और ये कौन से टाइप होते हैं, बेसिकली बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इनको इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, दरमियान में उसकी बॉडी है, दोनों साइड पे एक्सॉन्स हैं। उसके बाद जो मोटर वाले हैं वो हमारे पास क्या है, मल्टीपोलर, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाकी इन्फॉर्मेशन अवे फ्रॉम ब्रेन लेकर जा रहे होते हैं। अब वो अफेक्टर ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, किडनी भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो फंक्शन की बेस पे न्यूरॉन्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। हमारे पास आ जाती है कि ये आपस में कम्युनिकेशन करते किस तरह से, ठीक है। अब हम न्यूरॉन की, अगर हम एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन को जरा बड़ा करके देखें, सेल मेम्ब्रेन या जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है। क्या सिचुएशन होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इनसाइड ऑफ न्यूरॉन सेल्स, सॉरी एक्सॉन सेल्स, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड है एक्सॉन के लिए, ठीक है। एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करके देखा तो उसमें बेसिकली क्या होता है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज होता है और इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेगेटिव, यानी कि सेल के अंदर जो है वो अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये देखो लिखा हुआ है आउटसाइड ऑफ द सेल एंड दिस इनसाइड ऑफ द सेल। आउटसाइड ऑफ द सेल क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि सोडियम बाहर जो है वो सोडियम ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है, पोटेशियम भी होता है और लेकिन ये कि क्या कहना चाहिए, सोडियम जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है और पॉजिटिव चार्ज जो है बेसिकली आउटसाइड ऑफ द सेल ज्यादा होता है, नेगेटिव चार्जेस भी बाहर मौजूद होते हैं लेकिन नेगेटिव चार्जेस के मुकाबले में पॉजिटिव आइंस ज्यादा होते हैं, इसीलिए आउटसाइड ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, ठीक है, ये सारा पॉजिटिव होता है। अब हम अगर अंदर चले जाए सेल के, इनसाइड ऑफ द सेल, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, इनसाइड भी पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, प्रोटीन की फॉर्म में है, इसके अलावा फॉस्फेट्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज अंदर ज्यादा है, इसीलिए इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज नेगेटिव, ठीक है। ये आपको डिफरेंट चैनल्स दिखाए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, आपको पता है ना कैरियर चैनल्स भी होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है, पोटेशियम चैनल्स भी होते हैं हर आयन के लिए, क्योंकि आपको पता है आयन डायरेक्टली तो मूव नहीं कर सकते ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो गुजर नहीं सकते डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से, आयन्स वगैरह नहीं गुजर सकते, तो उनके लिए चैनल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं, सोडियम का अलग चैनल है, पोटेशियम का अलग चैनल है, इसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप भी मौजूद होता है। क्लियर हो गई ये बात बेटा, कि एक्सॉन की अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करके देखें तो आपको पता लगेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड पर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज मौजूद है उसके। और ये एक्सॉन में इस तरह से क्यों होता है, क्यों होता है ब्रेन में इस तरह से बेटा, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करवाने के लिए, नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कराने के लिए, ठीक है, चार्जेस बेसिकली चेंज होते हैं। अगेन ये आपको वही दिखाया गया है कि नेट चार्ज बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। तो बेसिकली हमारे पास ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर दो तरह के पोटेंशियल मौजूद है, एक होता है हमारे पास आरएमपी, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी स्टैंड्स फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास नहीं हो रही उस वक्त मेम्ब्रेन जो है वो रेस्ट कर रही है, और वो जब रेस्ट की फॉर्म में होती है तो वो इस फॉर्म में होती है, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जब मेम्ब्रेन जो है वो रेस्ट से रेस्ट की बजाय एक्टिव
स्टेज में आ जाती है तो उसको आप एक्शन पोटेंशियल का नाम देते हो, ठीक है। उस वक्त क्या होता है बेसिकली के नहीं यहाँ पे नहीं है, कहाँ गया वो, एक्टिव हो जाती है तो फिर क्या होता है, ये मैं इसको चलाती हूँ एक, ये देखिए रेस्टिंग पोटेंशियल में आउटसाइड इज नेगेटिव पॉजिटिव एंड इनसाइड इज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, जब चेंज होगा ये सारा यहाँ पे क्या कहना चाहिए, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा प्ले करती हूँ, खत्म होने वाला टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ये मैसेज पास हो रहा है फ्रॉम, ये एक्सॉन टर्मिनल है और ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल में आउटसाइड इज पॉजिटिव एंड इनसाइड इज नेगेटिव, सारे चैनल्स बंद हैं, सोडियम चैनल भी बंद है और पोटेशियम चैनल भी बंद है हमारे पास, ठीक है। कोई भी मूवमेंट आउटसाइड और इनसाइड नहीं हो रही। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम। जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो क्या होगा, बाहर नेगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सोडियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उन्होंने अंदर मूव करना शुरू कर दिया, तो बाहर अब पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी ना, तो बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और अंदर ऑलरेडी पोटेशियम भी मौजूद है, अब मजीद जब सोडियम भी जाने लग गया है तो वो अंदर पॉजिटिव चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑल्टर हो जाएगी, यानी कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इसके बजाय उल्टा हो जाएगा, आप समझ लो कि रेस्टिंग में क्या था कि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, तो अब इसमें क्या होगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा कि बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आइंस है वो अंदर मूव करना शुरू कर रहे हैं और अंदर की एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रीपोलराइजेशन, यानी कि आप देखो ये जो डी इस प्रोसेस को हम डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। डीपोलराइजेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि ये ना सारे एग्जॉन पे एक ही दफा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास नहीं होती, सही है। आहिस्ता आहिस्ता देखो इसमें आपको क्लियर होगा, कहीं पर ये देखो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, ये देखो कहीं पर आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, कहीं पर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से एकदम से सारा इम्पल्स पास नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि एक पूरा जो एग्जॉन है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये पूरा एग्जॉन है तो इसमें एक ही दफा में सारी मेम्ब्रेन पे नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आता, ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल पहले इस जगह पे मूव करेगा, यहाँ पे इसकी पोलराइजेशन को चेंज करेगा, बाहर नेगेटिव करेगा अंदर पॉजिटिव करेगा, फिर यहाँ पे ये चार्ज वापस आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स आगे मूव करेगी, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे चेंज हो जाएगा और ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। इन डिफरेंट प्रोसेसेस को हम कहते हैं, एक को तो हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होती है, जब पोल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, पोल्स चेंज हो जाते हैं, बाहर नेगेटिव हो जाता है और अंदर पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गुजर गई, अब क्या होगा, रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। ये वो जो पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है यहाँ पर अब रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, अगेन वापस अपनी वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जा रहा है कि बाहर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया और अंदर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया, ठीक है। वो किस वजह से हो रहा है कि जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स है ना वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। पहले सोडियम चैनल्स ओपन हुए थे डीपोलराइजेशन में, फिर सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे और पोटेशियम बाहर मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम जब बाहर मूव होगा तो वो भी तो पॉजिटिवली चार्ज ही है ना, ठीक है, तो जब पॉजिटिव आयन बाहर जाना शुरू हो जाएंगे तो फिर अगेन बाहर पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी और अंदर नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, और फिर फाइनली वही स्टेज आ जाएगी जहां से हमने स्टार्ट किया था, सारे चैनल्स बंद हो जाएंगे, ठीक है, और बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये बात? सबसे पहले रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, फिर डीपोलराइजेशन की स्टेट आती है, फिर रीपोलराइजेशन होती है और अगेन रेस्टिंग पोटेंशियल दोबारा से मेंटेन हो जाता है। और ये सारी एग्जॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक दफा नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता प्रोपेगेट होता है। देखो ये जो प्रोपेगेशन का उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है ना, पहले यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल चेंज होगा, सॉरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, फिर यहाँ पे सारा वो प्रोसेस रिपीट होगा, पहले रेस्टिंग पोटेंशियल होगा, फिर डीपोलराइजेशन होगी, फिर रीपोलराइजेशन होगी, ठीक है, फिर फाइनली वो रेस्टिंग स्टेट पर वापस आ जाएगा। तो मुझे क्लियर हुई बेटा ये बात, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, रेस्टिंग पोटेंशियल में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, सारे चैनल्स बंद हैं,
ठीक है, उसके बाद जैसे ही एक मैसेज आएगा दूसरे न्यूरॉन से, अब उसने इंफॉर्मेशन लेकर जानी है, एग्जॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है ना, ठीक है, तो उसने इंफॉर्मेशन लेकर जानी है, तो एग्जॉन की जो मेम्ब्रेन है वो एक एक्टिव, पहले वो रेस्टिंग में स्टेट में थी, अब वो एक्टिव स्टेट में आ जाएगी। एक्टिव स्टेट का जो प्रोसेस है उसको आप डीपोलराइजेशन का नाम भी देते हैं। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो रही होती है। किस तरह से डीपोलराइज हो रही होती है? सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आइंस है वो अंदर मूव होना शुरू हो जाते हैं। देखो इस वक्त पोटेशियम गेट बंद है, ठीक है, सिर्फ सोडियम वाला गेट ओपन है, सोडियम आइंस अंदर मूव होना शुरू हो गए क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज थे, तो बाहर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और इनसाइड पोटेशियम और सोडियम दोनों ही पॉजिटिव थे इसलिए अंदर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गुजर जाएगी, ठीक है, तो दोबारा ये जो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फॉर एग्जाम्पल हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये दोबारा अपने आप को रेस्टिंग पोटेंशियल में लेकर जाना शुरू कर देगा। किस तरह जाएगा? रीपोलराइजेशन के थ्रू, ठीक है। रीपोलराइजेशन में क्या होगा? जो पोटेशियम आइंस थे, अब ये पोटेशियम चैनल, अब देखो सोडियम गेट बंद हो गया और पोटेशियम गेट ओपन हो गया, ठीक है, पोटेशियम गेट से अब पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम आइंस बाहर मूव होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनसाइड जो है वो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सोडियम पोटेशियम आइंस की, सॉरी सोडियम आइंस क्यों नहीं वापस? पोटेशियम ग्रेडियंट के बारे में सोचे बेटा, बेशक सोडियम आइंस बहुत ज्यादा अंदर आ गए हैं लेकिन स्टिल आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इतने ज्यादा सोडियम आइंस मौजूद होते हैं कि वो फिर भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिस्टर्ब नहीं होता, यानी कि बाहर अभी भी सोडियम आइंस आप समझ लें ज्यादा ही है, ठीक है, तो वो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तो ही ना मूव करेंगे, उसके लिए तो आपको स्पेशली फिर एटीपी रिक्वायर होता है, सोडियम पोटेशियम पंप रिक्वायर होता है, ठीक है, इसीलिए बेसिकली वो सोडियम पोटेशियम पंप है कि सोडियम को जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसको बाहर निकाला जाता है। अगर तो ये सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे तो ये तो सोडियम फिर से अंदर रश करना शुरू कर देंगे, ठीक है, बेशक जितने मर्जी सोडियम अंदर आ गए हैं लेकिन अभी भी सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा ही रहती है, तो आपको पता है हमेशा हर चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करती है ना, ठीक है। लेकिन अब अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम ही क्यों बाहर जा रहे हैं? क्योंकि पोटेशियम जो है वो बाहर कम है और अंदर ज्यादा है पोटेशियम, तो वो पोटेशियम विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन का है बाहर है, सही है, इसीलिए जैसे ही वोल्टेज गेट ये गेट ओपन होगा पोटेशियम चैनल का, तो ये पोटेशियम फाइनली बाहर जाना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये क्लियर हुई है बात? क्योंकि सोडियम जो है दे विल नॉट मूव फ्रॉम दे विल नॉट मूव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, इस वक्त कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास नहीं हो रही, ठीक है, मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही है, कोई मैसेज जो है वो नहीं मौजूद इसके अंदर अभी, ठीक है, वो भी रेस्ट कर रही है, उसने कोई मैसेज आगे नहीं पहुंचाना, तो रेस्टिंग स्टेज में उसने क्या किया हुआ है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव।